Hi, this is Khushbu with another question of triangles. This is question example number 5 from page number 10.6 from Ari Sharma. It says in figure 10.9, it is given that AB is equal to CF, AB, CF ke equal hai, and EF is equal to BD. This EF is equal to BD. Ye length equals AB. CF is equal to BD and this AB, this much is equal to CF. This says angle AFE. AFE, this angle, is equal to angle CBD. CBD, that means this angle. The two angles equal. We have to prove that triangle AFE, this is AFE triangle, is congruent to CBD. आपको इसको इसके congruent prove करना. So given है हमें that AB is equal to CF, EF is equal to BD. और एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी बी डी टू प्रूव कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. ट्राइंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी. प्रूफ टू पे हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स हैं. सो इन ट्राइंगल ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी बी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले हमारे पास है कि ई एफ इक्वल है, ई एफ इज इक्वल टू बी डी. ई एफ इज इक्वल टू बी डी, दिस इज गिवन. देन हमारे पास ये एंगल्स हैं, ए एफ ई इक्वल है सी बी डी के, ये भी गिवन है. एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, दिस इज गिवन. एंड ए बी इक्वल है सी एफ के, बट ए बी इक्वल टू सी एफ ये हमारे ट्राइंगल का पार्ट नहीं है. ये हमारे ट्राइंगल का पार्ट नहीं है बिकॉज हमारे ट्राइंगल में पूरी लाइन आ रही है, हम हाफ लाइन नहीं उठा सकते. सो अगर इन दोनों के अंदर हम बी एफ एड करें, दोनों के अंदर, सो ये बन जाएगा एडिंग बी एफ टू बोथ साइड्स. सो ये आएगा ए बी प्लस बी एफ इक्वल सी एफ प्लस बी एफ. तो अगर ए बी में आप बी एफ एड करेंगे तो ए बी प्लस बी एफ विल बी ए एफ, और सी एफ में बी एफ एड करेंगे तो बी सी. सो दिस विल बी ए एफ एंड दिस विल बी बी सी. सो ए एफ इज इक्वल टू बी सी, ये तीन चीजें आ गई. देखो ट्राइंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी बाय, हमने इसमें यूज किया एक ही ट्राइंगल को देखेंगे, एक साइड ली है फिर एक एंगल फिर एक साइड, तो साइड एंगल साइड बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो दिस वॉज एग्जाम्पल 5 फ्रॉम आर डी शर्मा एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. बाय.